क्या हिजाब और पर्दा में कोई फर्क है? इस्लाम में लेडीज के पर्दा की क्या अहमियत है? बाज लोगों का स्लोगन है कि असल पर्दा तो दिल का होता है, इस पर आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अच्छा सवाल किया, जज़ाकअल्लाह खैर। अब ये हिजाब और पर्दे में कोई फ़र्क है तो जहन में रहे कि हिजाब जो है वो अरबी लफ्ज़ है, कुरान शरीफ में है, वइदा सअलतुहुन्न मताअन फसअलूहुन्न मिन वराए हिजाब। उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज़ लेनी हो तो हिजाब के पीछे से मांगो। तो हिजाब के माना हुए पर्दा, ये पर्दा जो है वो उर्दू लफ्ज़ है और हिजाब जो है वो अरबी लफ्ज़ है, तो अब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही है। अलबत्ता ये तो लुगवी एतबार से एक, हमारी जो इस्तिलाह है उर्फ में बाज़ मरतबा ये हमारे माहौल में एनवायरनमेंट में बाज़ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो हमारे उर्फ में आजकल ये हो गया है कि हिजाब नाम है स्कार्फ से सर ढांकने का और पर्दा या निकाब नाम है मुंह ढांकने का। तो अब हम लोगों ने ये फ़र्क कर दिया, वरना शरीयत में तो इसका कोई फ़र्क नहीं है, हिजाब पर्दा दोनों एक ही हैं। अब चूंकि ये मसला आ गया तो इसलिए यहाँ ये समझना पड़ेगा कि हिजाब में ये पर्दा करना और मुंह ढांकना ये क्या हुक्म रखता है। शरई तौर पर ये मसला ये है कि हज़रात हनाबिला बाद शाफ़िया और मुतअख़्खिरीन हनफिया और मालिकिया के यहाँ ये चेहरा ढांकना वाजिब है, और दलील इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की तफसीर है, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, तो उन्होंने कहा अर्रिदा व सियाब व मा यब्दू मिन असाफिर सियाब, कि मा ज़हरा मिन्हा में ये कपड़े जो हैं वो तो ज़ाहिर होते हैं, खुले ही होते हैं, तो उसको कैसे ढांकेंगे? तो इसलिए फरमाया कि इसका इस्तिस्ना है और चेहरा जो है वो इसमें नहीं है। इब्ने अब्बास ने चेहरे का इस्तिस्ना किया था, मगर इब्ने मसूद कहते हैं कि नहीं, चेहरा जो है उसमें पर्दे के अंदर दाखिल है, उसको भी ढांकना होगा। यही राय और तफसीर हसन बसरी, मोहम्मद इब्ने सीरीन, अबुल जौज़ा की है, इब्राहिम नखई से भी यही मनकूल है। फिर इसमें इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से तफसीर में रिवायत मनकूल है कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबी बिहिन्न, तो मस्तूरात अपना मुंह ढांक कर बाहर निकली और सर पर जिलबाब अपनी डाल दी थी, सिर्फ एक आंख खुली रहती थी। तो ये इब्ने अब्बास ने इसकी तफसीर की। इब्ने सीरीन कहते हैं मैंने अबीदा सलमानी से पूछा कि इदना उल जलाबीब के क्या माना है, तो उन्होंने अपना मुंह चादर से ढांक दिया, सर ढांक दिया और बाईं आंख खुली रखी। ये इब्न कसीर और इब्न जरीर ने इस असर को नकल किया है। आगे और भी रिवायतें हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो वाक़ इफ्क है तो उसमें है कि फस्तैक़ज़्तु बि इस्तिरजाइही हीन अरफ़नी फ़खम्मरतु वजही बिजिलबाबी, कि जब वो मैं तो पीछे रह गई थी, सो गई, जब वो सहाबी आए पीछे से सब कुछ ढूंढ ढांढते देखते देखते, तो उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा, वो मुझे पहले से पहचानते थे, तो मैंने फौरन अपना मुंह अपने जिलबाब से ढांक लिया। मालूम हुआ कि मुंह ढांकना ये उनके यहाँ मारूफ था, तो मुंह ढांकना चाहिए। कुरान शरीफ में युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबी बिहिन्न के माना यही है कि चेहरा भी ढक जाए उस जिलबाब से और बाकी जो गर्दन है, गला है, छाती है, ये भी ढक जाए। इसलिए ये सब हजरात मुताखिरीन हनफिया मालिकिया सब का फतवा इस पर है कि मुंह ढांकना इसमें दाखिल है। अलबत्ता मुतकद्दिमीन के यहाँ हनफिया मालिकिया बाद शाफिया कहते थे कि
ये मूंड और दो हथेलियाँ ये पर्दे में शामिल नहीं, और ये अलबत्ता उसमें भी शर्त लगाते थे इंदल अमनी मिनल फितना, जब फितने का खतरा न हो तब। तो जहां फितने का खतरा होगा वहां तो ये हजरात भी कहते हैं मुतकद्दिमीन भी कि मुंह ढकना पड़ेगा, और ये उस वक्त कहते हैं जहां फितने का खतरा न हो, और उसके लिए शायद फितने का खतरा न हो ये समझिए कि जो मुअम्मर और बड़ी उम्र की खवातीन हैं उनके लिए होगा। जैसे वल क़वाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजूना निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यदअन थियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीनतिहिन्न, ये वहाँ पर बिज़ीना वहाँ मज़कूर है। तो बहुत बूढ़ी ख़वातीन हैं तो उनके लिए इसकी कुछ गुंजाइश है कि मुंह खुला रखें, क्योंकि वहाँ फितने का अमन होता है, या कोई और ऐसा मौका हो जहाँ फितने का ख़तरा ना हो तो वहाँ खुला रख सकती हैं, ये मसला है। और इसके बाद ये भी समझिए कि अगर कोई ख़वातीन अपना मुंह नहीं ढाक सकती हैं किसी वजह से, तो कम से कम वो इतना तो ज़रूर करें कि अगर बाहर जाना हो तो बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, ज़रूरत के लिए निकलें, और फिर अपना मुंह अपने मुंह पर मेकअप शेकअप लगा कर ना निकलें, लिपस्टिक है और गाल पिंक पिंक करना है और आईब्राउज और आई लैशेज बनाना है और पूरा फुल ब्लोन मेकअप के साथ जाना, तो ये तो अट्रैक्शन होगा और दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश होगी, ये तो एक अलग मसला हो जाएगा जो हिजाब से अलावा है, और इसकी तो हुरमत होगी, इसको तो किसी सूरत में जायज़ नहीं कहा जाएगा। वहाँ तो नमाज पढ़ने के लिए कोई औरत खुशबू लगाकर आई थी तो उसको भी कहा था कि भई ये सही नहीं है, जाओ और ये खुशबू वाले कपड़े उतारो, और हुजूर ने हुक्म किया था कि कोई भी औरत मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए आए तो खुशबू लगा कर ना आए। तो जब खुशबू मना है तो इसी तरह मुंह ढाँक कर खुद फुल ब्लोन मेकअप लगा कर जाना ये किस सूरत में जायज़ हो सकता है, इसलिए इससे तो मुकम्मल तौर पर परहेज़ किया जाए। और देखिए यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि बेपर्दगी के नुकसानात क्या हैं, बेपर्दगी के बहुत नुकसानात हैं, और हाफिज़ इब्न हजर ने लिखा है कि जब उन पर खौफ हो या उनकी वजह से दूसरे पर खौफ हो, यानी उनको कुछ हो जाने का ख़तरा हो कि कोई उनको अटैक करेगा, नऊज़ बिल्ला उनको रेप कर देगा, कोई को नुकसान करेगा, या उनके ज़रिए दूसरों को ख़तरा हो कि दूसरों का कुछ नुकसान हो जाएगा और वो समझिए तकलीफ़ में पड़ेंगे, तो ऐसी सूरत में उनको समझिए बाहर इसी तरह बेपर्दगी के साथ नहीं निकलना चाहिए। और बेपर्दगी के नुकसानात के लिए मैं आपको सिर्फ एक हमारे यहाँ डेली मेल में एक आर्टिकल आया था, बहुत पुराना था, डॉक्टर पेनी मार्शल ने लिखा था, ये डेली मेल के अंदर छपा था मार्च 6, 2010 में, यानी अब से 10 साल पहले। तो उसका आर्टिकल का टाइटल था पॉइजन्ड बाय फोन, तो बड़ा उसने उन्होंने वो उसमें सब कुछ खुल दिया था, खुली बातें की थी कि भाई ये बेपर्दगी से क्या नुकसान हुआ है और पोर्नोग्राफी से कितना नुकसान हो रहा है, और ये फला 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 डेमोक्रेट अब तो इनको भी कुछ समझ पड़ रही है, और फेसबुक वाले भी अगर उसमें या यूट्यूब पर भी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो वो उसको स्पीच को काट देते हैं, अब इनको कुछ समझ आई है। तो ये हिजाब का मसला अपनी जगह है, बेहिजाबी जो है वो किसी सूरत में दुरुस्त नहीं हो सकती है, इससे ज़रा एहतियात किया जाए। यहाँ पर हज़रत मजजूब साहब याद आते हैं, कशकोल में उनके कुछ अशआर हैं वो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, आप महजूज होंगे। मजजूब साहब कहते हैं ये किया फैशन ने सबको वाकिफ़े असरार पिनहानी, किया फैशन ने सबको वाकिफ़े असरार पिनहानी, कि पैराहन में भी आँखों ने लूटा लुत्फ़े उरियानी, कि पैराहन में भी आँखों ने लूटा लुत्फ़े उरियानी, आहा हा हुस्न बेपर्दा से आलम जगमगा उठा, ओहो हो कैसी कैसी सूरतें देखी हैं नूरानी, उड़े जाते हैं मेरे होश ही ए पर्दा दर उफ उफ, उड़े जाते हैं मेरे होश ही ए पर्दा दर उफ उफ, अरे रे अक्ल ही मेरी हुई जाती है दीवानी, संभालूं हाय मैं क्यों कर इस अपने चुलबुले दिल को, नहीं पाता हूं काबू कर चुका हर साय इमकानी,
उठी जाती हैं जज्बे हुस्न से बे इख्तियार आंखें, उठी जाती हैं जज्बे हुस्न से बे इख्तियार आंखें, हुआ जाता है सारा जुहद व तकवा नजर हैरानी, हुआ जाता है सारा जुहद व तकवा नजर हैरानी। मजूब साहब और भी एक जगह फरमाते हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। या अल्लाह ये ड्रामा क्या दिखाएगा, या ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। मजरूब साहब तो अब से शायद 60-70 साल पहले ये कह गए थे कि ये ड्रामा क्या सीन दिखाएगा। इस जमाने में हम सारे सीन देख रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी आँखों की हिफाजत करे, हमारी मस्तूरात को दीन की समझ अता फरमाए और दीन पर चलना उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए आसान फरमाए। बेपर्दगी से हिफाजत करे, पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए।